आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इजी, जिसमें हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को स्टडी करना है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि हमें आगे चल के जो है डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो है आसानी पैदा करेगा। यहाँ से पहले पहले जो चीज़ें हमने स्टडी की दैट वाज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम, अब हम ये करेंगे कि चीज़ें वही होंगी लेकिन अब हम उनको नए नाम देंगे। जैसे कि वाटर के केस में जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा उसी को हम चेंज चेंज करके फिर आयनिक प्रोडक्ट बनेगी और वह सारी चीज़ें बनती जाएंगी। तो द चैप्टर इज़ वेरी ईजी, बट यू नीड टू हैव यू नो कंटिन्यूस कंसंट्रेशन टू गेट थिंग्स अंडरस्टैंडेबल। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की तरफ अगर हम जाते हैं तो आपके पास जो प्योर वाटर होता है ना वो वेरी पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो प्योर वाटर है उसके अंदर से बिजली जो है वो पास आउट नहीं करती इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस में से अगर बिजली ने या किसी भी चीज़ ने पास करना है तो उसको हेल्प आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, मौजूद चार्ज। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी शक्ल में चार्ज मौजूद होगा तो ही वो चीज़ कंडक्टर या कंडक्टेंस कहलाएगी, और इस केस में चार्ज होते हैं हमारे पास आयंस। तो अभी जब हम नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि वाटर जो है वो वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब वाटर जो है नॉर्मली ये आपके पास सेल्फ आयनाइजेशन प्रोसेस में से गुजरता है, अपने आप को खुद ही आयनाइज कर लेता है। क्या होता है कि वाटर जो होता है वो एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलता है और आपके पास H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना देता है। और आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये रिएक्शन भी पढ़ के आते रहे हैं कि H2O जो कि स्प्लिट अप हो जाता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये हाइड्रोक्सल आयन है एंड दिस इज हाइड्रोजन आयन। अब इस ही रिएक्शन की मैं जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्वेश्चन लिखूंगा। रिएक्शन था मेरे पास वाटर जो कि हो गया स्प्लिट अप हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन में। तो के सी इज इक्वल टू दी कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ दी अदर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट्स। अब मैं जब इसको एक्सपेरिमेंटली करने के बाद जो के सी की वैल्यू मेरे पास निकलती है वो निकलती है 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -16 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज इक्वल टू दी के सी। अब इफ इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये है जी कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर जिसको मैंने लिखा है इस तरह से। ये कैसे निकलेगी? ये जाहिर सी बात है ये ऐसे निकलेगी कि अगर मेरे पास ये बेसिकली है क्या, ये है कि आपके पास अगर 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वाटर हो तो उसके अंदर इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो हम निकालेंगे, तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसके यूनिट्स कंसंट्रेशन के आएंगे। वो ऐसे होगा कि जब हम क्या करेंगे 1000 ग्राम डेसीमीटर क्यूब को जब मैं डिवाइड कर दूंगा वाटर के मास के साथ जो कि होता है 18, दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, और ये होगा ग्राम पर मोल। ये जब इससे वो होगा आपके पास डिवाइड तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 55.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास यूनिट्स आ गए कंसंट्रेशन के और ये आ गई वैल्यू इसकी। तो ये वैल्यू है अब हमारे पास H2O की जो कि क्या है 55.5 मोल्स। अब
अब होता ये है हमारे पास कि हम इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे कि सी इज इक्वल टू एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच टू ओ की कंसंट्रेशन। एच टू ओ की जो कंसंट्रेशन है वो हमने निकाली है 55.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी को मैं इधर पुट करूँगा, ये हो जाएगी डिवाइडेड बाय 55.5। और ये के सी की वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 1.8 इंटू 10^-16। ये इसकी वैल्यू थी जो हमें एक्सपेरिमेंटली जो है वो मिल गई थी। अब इन दोनों को जिस वक्त मैं ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी, 1.8 इंटू 10^-16 मल्टीप्लाइड बाय 55.5। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा 1.01 इंटू 10^-14। अब इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, बेसिकली वाटर के दो आयन होते हैं एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। इन दोनों आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब भी कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हम कहते हैं ये इन दोनों की प्रोडक्ट है। तो ये आयन्स हैं और आयन्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ दी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि हमारे इस टॉपिक का नाम भी है। तो यहाँ से हमने आयनिक प्रोडक्ट जोन सी है वो डिज़ाइन कर ली और इसको हम लिखेंगे के डब्ल्यू से। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो ये थी कि के डब्ल्यू इज़ दी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि क्या है एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन की का प्रोडक्ट है, और ये बराबर होता है 10^-14 के एट 25 डिग्री सी। तो यहाँ तक जो चीज़ थी वो आपके पास आपके माइंड्स में जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ के डब्ल्यू। अब इसी इक्वेशन को लेके हम आगे चलते हैं और अब हम फाइंड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन, मतलब एच पॉजिटिव कितना होगा या ओ एच नेगेटिव जो है वो कितना होगा, वो अब हम इस इक्वेशन से लेके जो है वो आगे चलेंगे। अब आप अगर इसको देखें तो होता ये है कि आपके पास जो होती है के डब्ल्यू की वैल्यू जो कि 10^-14 है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल द टाइम। ये वैल्यू जो है आपके पास हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। आप अपने वाटर के सैंपल के अंदर एसिड डाल दें या बेस डाल दें, उससे क्या होगा, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इन दोनों की कंसंट्रेशन को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका ये ही आएगा। लेकिन न्यूट्रल वाटर के केस में क्या होता है, न्यूट्रल वाटर का मतलब है कि इसके अंदर कोई एसिड या बेस हमने ऐड नहीं किए, तो इस केस के अंदर क्या होगा, जितने एच पॉजिटिव बनेंगे उतने ही ओ एच नेगेटिव बनेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50 मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वाटर के वो आयनाइज हो गए, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ, तो जाहिर सी बात है वो 50 ही एच पॉजिटिव देंगे और 50 ही ओ एच नेगेटिव देंगे। तो न्यूट्रल वाटर के केस में दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब हम न्यूट्रल वाटर का केस आगे लेके चलते हैं। इन न्यूट्रल वाटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन इज इक्वल टू 10^-14।
अब चूंकि न्यूट्रल वाटर में ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो मैं OH को H पॉजिटिव की जगह लिख सकता हूँ। H पॉजिटिव ये, और इस OH की जगह मैं H पॉजिटिव लिखूंगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन क्वांटिटी। और ये हो जाएगा 10^-14। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा जी, इसकी पावर हो जाएगी 2 एंड दिस विल बी दिस। और यहाँ से मेरे पास H पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, जो कि होगी 10^-7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये मेरे पास एक आयन की वैल्यू जो है वो आ गई कि हमारे पास न्यूट्रल वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसकी मौजूदगी, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। सिमिलरली अगर मैं OH नेगेटिव की निकालना चाहूँ, यहाँ पे मैंने ये किया था कि इस OH को इस H से रिप्लेस कर दिया था क्योंकि दोनों बराबर थे। अगले केस में मैं इस H को OH से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये दोनों OH हो जाएंगे और फिर मेरे पास OH की क्वांटिटी भी सेम निकलेगी, 10^-7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इन केस ऑफ दी न्यूट्रल वाटर। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने अपने इंडिविजुअल आयंस की कंसंट्रेशन जो सी हैं वो हमने निकाल ली। अब होता क्या है, वो ये कहता है आपके पास कि टेम्परेचर का इफेक्ट भी बेसिकली वो थोड़ा सा डिस्कस करेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट का पहला असूल है कि के डब्ल्यू जो है वो तो सेम की सेम रहनी है, 10^-4 ही रहनी है। हाँ, 40°C के ऊपर जो है, और अगर मेरे पास एक सैंपल है 100°C के ऊपर, तो 40 के ऊपर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, डिसॉल्व होंगे आयंस के अंदर, वो कम होंगे देन दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट, जो कि डिसॉल्व हुए एट 100°C। लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट होगी एच पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की, वो क्या होगी, वो हमेशा के डब्ल्यू के बराबर रहेगी इन एनी केस, इन एनी टेम्परेचर। तो इन दोनों के प्रोडक्ट जो है वो के डब्ल्यू और 10^-14 ही रहेगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि आपके पास न्यूट्रल वाटर था, न्यूट्रल वाटर के अंदर एच पॉजिटिव बराबर था OH नेगेटिव के केस में। अब आपने क्या किया, ऐड किया, क्या एडिशन ऑफ एसिड। अगर आप अपनी मैट्रिक क्लासेस की एसिड की डेफिनेशन याद करें, तो वो स्पीशी जो कि हाइड्रोजन आयन देती थी, तो एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा, तो हाइड्रोजन आयन एसिड के ऐड होने पर बढ़ जाएगा OH नेगेटिव की निस्बत। जब भी एडिशन होगी एसिड की वाटर के अंदर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी हाइड्रोक्सल आयंस की कंपैरिजन में, एंड एडिशन ऑफ बेस। तो जब भी बेस हम डालेंगे तो जाहिर सी बात है फिर OH नेगेटिव की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी H पॉजिटिव की निस्बत। तो ये तो सिंपल बात थी जो कि आपको पता है। अब यहाँ पर जो आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, दैट इज pH एंड POH, जो कि आप बड़ी डिटेल में अपनी प्रीवियस क्लासेस में, हम कहते हैं जी इसकी pH देख लो, इसकी pH के टेस्ट हम करते रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में, मैट्रिक में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, pH होती क्या है। सोरेनसन जो था, सोरेनसन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इसने 1909 में जो है ये टर्म्स जो सी हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी pH की और POH की। pH क्या है, pH इज दी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, जो कि H पॉजिटिव को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये जो कंसंट्रेशन है इसका अगर मैं नेगेटिव लॉग ले लूँ तो मेरे पास pH बनेगी। तो pH का फॉर्मूला होगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और POH क्या होगी, वो होगी मेरे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन।
हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन इस तरह स्केयर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका नेगेटिव लॉग लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा पी ओ एच, तो पी ओ एच इज इक्वल टू दी माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन का। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज और इनकी डेफिनेशन जो कि आपको पी एच और पी ओ एच की जो है वो याद रखनी होगी। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी जो होती है कंसंट्रेशन जो हमने निकाली थी उसको हम देख लेते हैं। बेसिकली इस पी यू एच का या नेगेटिव लॉग लेने का मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि आपके पास एक स्केल डेवलप हो जाए जिसके ऊपर से आप पी एच जो है वो देख सकें। अब मैं कहता हूँ जी पी एच ली मैंने माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस का, माइनस लॉग इसकी कंसंट्रेशन अभी हमने पहले निकाली है वो थी 10^-7, यही निकली थी न्यूट्रल वाटर के केस में। तो न्यूट्रल वाटर का ही केस अगर मैं आगे लेके चलूँ तो न्यूट्रल वाटर के अंदर मेरे पास क्या होगा, लॉग एच पॉजिटिव जो है वो ये निकलेगी। इसको जब अब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 7। और मैं पी यू एच निकालता हूँ वो हो गए माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, सॉरी पी यू एच है तो ये होगी माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव। तो ये मेरे पास माइनस लॉग और ओ एच नेगेटिव हमने निकाला था सेम था, 10^-7 ही था। तो न्यूट्रल वाटर के केस में दोनों की जो है वो 7 निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमारे पास एक स्केल डेवलप हो गया कि जब भी आपके पास किसी भी सब्सटेंस की पी एच जो है वो 7 आए तो हम कहते हैं ये सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल है। और अगर आपके पास उस सॉल्यूशन की पी एच लेस देन 7 आए तो हम कहते हैं कि दैट इज़ एसिडिक। और अगर पी एच जो है वो ग्रेटर देन 7 आए तो आपके पास सॉल्यूशन हो जाता है बेसिक। तो ये सारी चीज़ें जो आप पहले तो आपने रटा लगाया होता था लाइक कि पी एच 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम होगी तो एसिडिक। नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट कि आप आयनिक प्रोडक्ट से आपने इनिशियल इंडिविजुअल आयंस की कंसेंट्रेशन निकाली और फिर उनके माइनस लॉग लेके आपने एक स्केल डेवलप किया पी एच का। अब सिमिलरली एक और चीज़ भी आपके पास वो बता देता है, वो कहता है जी एक नई टर्म पी के डब्ल्यू। के डब्ल्यू था आपके पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जब उसका पी के डब्ल्यू लेते हैं तो वो होता है माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब के डब्ल्यू की वैल्यू हमने पढ़ के आए हैं कि वो हमेशा सेम रहती है और वो होती है 10^-14। तो पी के डब्ल्यू जो होगा वो आएगा 14 × log(10), और log(10) होता है 1, तो 14 × 1 तो मेरे पास पी के डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये पी के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो सी है वो सेम रहनी होती है। अब पीएच की बात आती है, पीएच नॉर्मली हमारे पास 0 से लेके 14 तक जो है वो होती है। सिमिलरली पीओएच भी हमारे पास 0 से लेके 14 तक होती है। आप किसी की पीओएच जो है निकालें और पीएच आपके पास जो है उसकी निकल आएगी। इसी तरह आपके पास अगर किसी की पीएच मौजूद हो सपोज 10 है तो आप पीओएच जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि पीएच और पीओएच का जो सम अप है दैट वुड बी इक्वल टू दी 14 जो कि पी के डब्ल्यू के बराबर होगा। तो सिमिलरली जो है आपकी बुक में टेबल बना होगा जिसमें डिफरेंट जो उनसे आपके पास केमिकल्स हैं जैसे मिल्क है, गैस्ट्रिक जूस है और आपके पास रेन वाटर है, और डिफरेंट आपके पास जो उनसे डेली लाइफ के केमिकल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, टोमेटोज़ हैं और डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनकी जो है आपके पास पी एच और पी एच बताई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर विनेगर की देखते हैं तो विनेगर की पीएच होती है आपके पास 2.8 और उसकी पीओएच जो होगी वो फिर होगी 14 में से जब मैं 2.8 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगी 11.2। तो
तो सिमिलरली आपके पास ये स्केल होता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पीएच का और पीओएच का जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से जो है वो निकाला इस अपने आज के टॉपिक में। तो दिस वाज वेरी इजी। इस पे बाद हम आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे एसिड का और बेस का, और चैप्टर के एंड की तरफ जो है हम बढ़ते जाएंगे।